एवरीवन, वेलकम टू सिल्वा बेल स्कूल मानसरोवर पालनपुर। आई एम कृष्णा परमार, योर ईवीएस टीचर। टुडे वी विल लर्न अबाउट लास्ट एंड 19 चैप्टर, लेसन नंबर 19, डेज मंथ्स एंड इयर्स। ओके, हम आज किसके बारे में पढ़ेंगे? डेज के बारे में, मंथ्स के बारे में एंड ईयर के बारे में। डे क्या होता है, मंथ क्या होता है और ईयर क्या होता है। लेट अस लर्न अबाउट टाइम, व्हाट इज डे एंड व्हाट इज ईयर। हम टाइम के बारे में पढ़ेंगे, डे किसको कहते हैं और ईयर किसको कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, डू यू रिमेम्बर व्हाट इज योर बर्थडे? आपको आपका बर्थडे पता होगा, वो डेट यहाँ पे आपको लिख देनी है। ऑन विच डे और डेज ऑफ दिस वीक डू यू हैव योर गेम पीरियड इन स्कूल? आपको स्कूल में गेम पीरियड कौन सा होता है तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। ऑन विच डे क्रिसमस सेलिब्रेटेड? क्रिसमस सेलिब्रेट हम किस दिन करते हैं तो वो डेट आपको यहाँ पे लिखनी है। नाउ नेक्स्ट, ओके, एवरी डे वी डू डिफरेंट एक्टिविटीज एट द सेम टाइम। हर रोज हमें पता है कि हम डिफरेंट एक्टिविटीज सेम टाइम पे करते हैं, जैसे कि वी गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, हम सुबह स्कूल जाते हैं। वी एट लंच इन द आफ्टरनून एंड हम दोपहर में नून में क्या करते हैं, लंच करते हैं। एंड वी गो टू बेड एट नाइट, हम रात पे बेड सोने जाते हैं। तो ये एक्टिविटी एवरी डे हम सेम टाइम पे हर रोज करते हैं। जैसे हमारा सुबह उठ के ब्रश करने का टाइम फ्री होता है, सुबह उठना फ्री होता है, सेम टाइम होता है, ब्रश करते हैं हम सेम टाइम पे, टाइम हम देख के करते हैं। फिर स्कूल जाने का टाइम हमारा सेम होता है, खाना खाने का टाइम सेम होता है। ऐसी कई सारी एक्टिविटीज है जिसका टाइम हमारा एवरी डे सेम ही होता है। तो टाइम, व्हाट इज टाइम? तो टाइम कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हॉर्स, मिनट एंड सेकेंड। तो टाइम किसमें मेजर करते हैं हम? हॉर्स, मिनट एंड सेकेंड में। देखो यहाँ पे आपको क्लॉक दिख रही है, ये है क्लॉक। अ वॉच और अ क्लॉक टेल अस द टाइम। तो हमें टाइम कौन बताता है? तो वॉच और क्लॉक बताती है। इट मोस्टली हैज टू हैंड, इसमें मोस्टली टू हैंड होता है। द शॉर्ट हैंड ऑफ अ क्लॉक शोन हॉर, यहाँ पे आपको ये शॉर्ट हैंड दिख रहा है ना, वो क्या दिखाता है हमें? हॉर दिखाता है। एंड द लॉन्ग हैंड शोज मिनट्स, तो ये जो लॉन्ग हैंड होता है वो हमें मिनट दिखाता है। समटाइम्स वन मोर हैंड कॉल द सेकेंड हैंड इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो कई बार ऐसा होता है कि घड़ी में ये दो की जगह पे तीन होते हैं, तीन हैंड, तो उसे क्या कहते हैं, जो सबसे ज्यादा बड़ा भी होता है, कई बार टाइम छोटा भी होता है, लेकिन वो थर्ड वो जो हैंड होता है ना उसे सेकेंड हैंड कहते हैं हम। वो एवरी टाइम इट मूव्स वन स्पेस एवरी सेकेंड, वो एवरी सेकेंड में टिक टिक करके चलता ही रहता है। नाउ यहाँ पे आपको देना है टाइम टू आंसर। आपको घड़ी देखना तो आता ही होगा, और नहीं आता है तो आपको सीख लेना है घर से कि यहाँ जो मैंने पहले भी बताया था कि जो शॉर्ट हैंड होता है वो हर बताता है और जो लॉन्ग हैंड होता है तो वो मिनट दिखाता है। अभी आपको ये देखना है कि 12 से लेके 1 तक 5 मिनट्स होते हैं, 5 मिनट्स होते हैं। फिर 1 से लेके 2 तक अगेन 5 मिनट्स होते हैं। तो ये 5 प्लस 5 10, अगेन यहाँ पे आके 15 मिनट्स होता है। तो 3 पर आते हैं तो 15 मिनट्स होते हैं, फिर 4 पर 20, प्लस 5 आपको ऐड करते जाना है, तो आपको ये टोटल 60 मिनट्स का मिलेगा। जब ये मिनट हैंड होता है वो 60 मिनट कंप्लीट कर लेता है तब 1 आवर होता है, 1 घंटा पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिनट हैंड कहाँ पे है, तो 6 पर। तो जैसे मैंने बताया कि 5 प्लस करते करते हमें जानना है, तो 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30, तो कितनी मिनट्स हुई? 13 मिनट्स लिखेंगे हम यहाँ। और कहाँ पे है ये हर हैंड जो है वो भी 6 पे है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। तो टाइम क्या हुआ है वो आपको नीचे लिखना है, 6:30। ओके, सेम आपको यहाँ पे करना है, यहाँ पे मिनट हैंड कहाँ पे है? 12 पे है, तो ये पूरा उसने कंप्लीट कर लिया है। तो जैसे मैंने बताया था यहाँ 30 होता है, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60, यहाँ आएगा 60 मिनट्स, और यहाँ पे कितने पे है? 11 पे है। तो यहाँ पे 60 मिनट कंप्लीट हो गया और यहाँ पे 11 पे है, तो कितने बजे? 11 o'clock। ओके, सेम आपको ये थर्ड वाला अपने आप करना है कि मिनट का हैंड कहाँ पे है? 3 पे है, तो 5, 10 और 15 मिनट्स और कहाँ पे है, और उसे लिख के सेम नीचे आंसर आपको लिखना है। और ऐसे ही मोर प्रैक्टिस करनी है जिससे आपको अच्छे से क्लॉक देखना आ जाए। ठीक है, अब नाउ हैव क्वेश्चन, व्हाट इज अ डे? डे किसे कहते हैं? तो द अर्थ स्पिन राउंड एंड राउंड लाइक अ टॉप।
तो जो अर्थ है आपको पता है वो ऐसा गोल धड़ा है, तो वो क्या करता है आपको पता है, ऐसे पूरा राउंड 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 घूमता रहता है, ऐसे खुद भी राउंड राउंड घूमता है। जैसे कि सपोज अगर ऐसे है यहाँ पे सन है, तो वो सन के राउंड तो गोल गोल घूमता ही है, लेकिन वो अपने आप में भी गोल गोल ऐसे घूमता रहता है टॉप की तरह। आपको पता है ना ये टॉप लट्टू जो होता है, ये लट्टू आप ऐसे नीचे घुमाते हो तो वो गोल 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 घूमता रहता है ना, वैसे अर्थ भी गोल गोल घूमता रहता है। तो जैसे अर्थ एक पूरा गोल राउंड खत्म कर लेता है, तब क्या होता है एक पूरा दिन कंप्लीट होता है। तो द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू स्पिन अराउंड वंस ऑन इट एक्सिस पर एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू सन इज कॉल्ड अ डे। तो क्या करता है, तो जो वो अर्थ होता है ना वो पूरा एक ऐसा राउंड लगा देता है ना, जैसे लट्टू गोल गोल घूमता है, वैसे ऐसे अर्थ अपने एक्सिस पे पूरा एक टर्न लगा देता है ऐसे कंप्लीट गोल, तब वो एक राउंड उसका कंप्लीट होता है और उसे हम क्या कहते हैं डे। अगेन मैं बोल रही हूँ, ऐसे जो लट्टू की तरह जो ये गोल गोल घूमता है अर्थ, वो एक राउंड कंप्लीट कर लेता है अपने ही एक्सिस पे, तो उसे कहते हैं डे। ओके, नाउ डेज ऑफ अ वीक, तो वीक के डेज यहाँ पे है, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। आप सबको पता है, पहले भी हमने इसके बारे में पढ़ा है मैथमेटिक्स में, माय फंडे में, कि वीक में कितने दिन होता है, वो 7 डेज होता है, 7 डेज इन अ वीक, वीक में 7 डेज होता है। दिस आर वो कौन सा है, तो आप सबको पता है, लेकिन अगेन मैं रिपीट करती हूँ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो ये आपको अच्छे से अभी तो याद हो ही गया होगा, क्योंकि आपने बहुत बार ये पढ़ लिया है, तो उसी उसके अकॉर्डिंग आपको ये टाइम टू आंसर करना है। Which day comes before Saturday? तो Saturday से पहले कौन सा डे आता है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि Saturday से पहले आएगा Friday। अगर नहीं आता है तो आपको अपने अगेन कैलकुलेट ऐसे काउंट कर लेना है कि संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो सैटरडे से पहले कौन सा दिन आया, फ्राइडे, तो यहाँ पे हम फ्राइडे लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट है द डे दैट कम्स आफ्टर ट्यूजडे, तो ट्यूजडे के बाद में कौन सा दिन आता है, तो ट्यूजडे के बाद में, तो संडे, मंडे, ट्यूजडे एंड वेडनेसडे, तो कौन सा दिन आएगा, वेडनेसडे। तो ये आपको आंसर लिखना है। आपको एक चीज याद रखनी है कि बिफोर यानी पहले और आफ्टर यानी बाद में, ठीक है, ये अच्छे से याद रह जाएगा तो आपको सब आंसर ऐसे आ जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज ईयर, अभी हमने देखा व्हाट इज डे, तो डे मैंने बताया था कि अर्थ जो होता है वो ऐसे अपने आप में भी गोल गोल घूमता है अपनी एक्सिस पे, तो वो जब एक राउंड कंप्लीट कर लेता है तो एक डे होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है व्हाट इज ईयर, तो ईयर किसे कहते हैं, तो द अर्थ आल्सो मूव्स अराउंड द सन। आपको पता है जो अर्थ होता है वो अपने आप में तो गोल घूमता है, लेकिन मैंने पहले आपको बताया कि वो सन के अराउंड भी गोल 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 घूमता है, अर्थ ऑल्सो मूव अराउंड द सन, सो सन के अराउंड भी चक्कर लगाता है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू मूव अराउंड द सन वंस ऑन अ फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड वन ईयर। जैसे वो अपने आप में भी गोल घूमता है, वैसे ही वो सन के आसपास भी ऐसे ऐसे गोल 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 घूमते घूमते एक पूरा राउंड कंप्लीट कर लेता है, तो वो अपनी क्या कहते हैं फिक्स्ड पाथ पे ही वो राउंड कंप्लीट करता है, और उस राउंड को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, वन ईयर। जब वो राउंड खत्म हो जाता है जहां से स्टार्ट किया था उसे क्या कहते हैं, वन ईयर। आप अगेन देख लो, ये सन है और उसके राउंड राउंड ये जो अर्थ है वो पूरा एक टर्न लगा देता है, उसे ईयर कहते हैं, लेकिन जो अर्थ होता है वो अपने एक्सिस पे पूरा एक राउंड ऐसे लगा देता है, उसे डे कहते हैं, ये आपको याद रखना है। नाउ नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, तो डेज ईयर के नंबर्स, और इसमें कितने डे आते हैं, तो द अर्थ टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स टू गो अराउंड द सन। हम सबको बताए कि अर्थ कितने टाइम और कितने डेज और कितने आवर्स में सन का एक राउंड खत्म करता है, तो वो 365 डेज एंड प्लस 6 हर्स, एक्स्ट्रा 6 हर्स वो लगाता है अर्थ सन के अराउंड एक टर्न पूरा करने में, कितने दिन, 365 डेज एंड 6 हर्स टाइम लेता है। देयरफॉर अ ईयर हैज 365 फुल डेज, तो एक ईयर में 365 फुल डेज होते हैं, पूरे दिन।
A year with 366 days is called a leap year. हमने आगे भी एक लेसन में पढ़ा था कि लीप ईयर किसे कहते हैं और वो कब आता है. इट कम्स आफ्टर एवरी फोर ईयर. वो एवरी फोर ईयर के बाद में आता है. क्यों ये क्वेश्चन होता होगा कि क्यों एवरी फोर ईयर के बाद में ही लीप ईयर आता है. तो इसका आंसर है कि अ ईयर हैज 365 फुल डेज. 365 फुल डेज तो होते ही है लेकिन 366 डे इज कॉल्ड अ लीप ईयर. तो ये एक दिन कैसे एक्स्ट्रा बच जाता है लीप ईयर में, फोर ईयर में एक बार. तो ये सिक्स हॉर जो अर्थ सन के अराउंड पूरा एक चक्कर लगाने में 365 डेज एंड सिक्स हॉर्स लेता है. तो 365 फुल डेज होता है एवरी ईयर के. लेकिन एवरी फोर ईयर आप काउंट करोगे मैथमेटिक्स थ्रू के देखो सिक्स हॉर्स एक ईयर के होते हैं. तो वो एवरी फोर ईयर में फोर ईयर के बाद कितने हुए. तो सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स करो तो कितने हुए, एक पूरा फुल डे हो जाता है, 24 आवर हो जाता है. तो इसी वजह से एवरी फोर ईयर 366 डे होते हैं और उसे कहते हैं लीप ईयर. आगे हम देखते हैं कि वो एक्स्ट्रा एक दिन कहां पे आता है. मंथ इन ईयर, ईयर के मंथ, ईयर के मंथ है यहाँ पे. देखो देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर. हम सबको पता है कि 12 मंथ होते हैं एक ईयर में. 10 साल ये यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हमें. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. तो द 7 मंथ शो इन रेड कलर हैव 331 डेज. तो यहाँ पे जो रेड कलर में हमें दिख रहा है ना जो मंथ, उसके कितने होते हैं डेज, 31. जैसे मैंने पहले भी आपको इस स्टेप में काउंट करना सिखाया था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. तो यहाँ पे जो आता है ना ये दोनों के बीच में उसमें 30 डेज होते हैं. लेकिन ये जो ऊपर टॉप में आते हैं ना उसमें 31 डेज होते हैं. लेकिन फरवरी, सिर्फ फरवरी में ऐसा होता है 28 या 29 डेज होता है. लेकिन ये जो होता है यहाँ पे दोनों उसमें सेम आते हैं, जुलाई और अगस्त में 31 डे ही होता है. तो द 7 मंथ्स शो इन रेड कलर हैव 31 डेज. तो वो 31 डेज कौन से होता है, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर. द 4 मंथ्स शो इन ब्लू हैव 30 डेज. तो 30 डेज किसमें दिखाई गई है हमें, ब्लू में. तो वो है अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर. तो उसमें कितने दिन होता है, तो 30 डेज होता है. ओनली फरवरी हैज 28 डेज. सिर्फ फरवरी एक ऐसा मंथ है जिसमें 28 डेज होते हैं. लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा. हाँ देखो यहाँ पे है, इन अ लीप ईयर फरवरी हैज 29 डेज. तो जो लीप ईयर होता है जो एवरी फोर ईयर के बाद में जो एक दिन एक्स्ट्रा बचता है 666 आवर मिला के, तो वो एक दिन 29 फरवरी में हो जाते हैं. हमें पता है ना कि फरवरी में कई बार ऐसा होता है कि 28 डेज होता है, तो कई बार ऐसा होता है 29 डेज होता है. लेकिन वो 29 एवरी फोर ईयर के बाद में होता है, लीप ईयर में होता है, क्योंकि वो एक दिन जो एक्स्ट्रा होता है वो हम फरवरी में काउंट करता है. ठीक है, तो थिंक एंड राइट. यहाँ पे आपको सोचना है और फिर लिखना है विच ईयर इज दिस. सोचना किस है, तो आपको ये देखना है कि विच ईयर इज दिस. तो ये ईयर कौन सा है, वॉट इज द मंथ, ये मंथ कौन सा है एंड वॉट डे इज इट. तो ये आपको खुद से लिखना है. नेक्स्ट है टाइम टू आंसर. राइट टू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स लिखना है. फरवरी हैज 30 डेज, क्या फरवरी में 30 डेज होता है. ट्रू है तो ट्रू लिखना है और फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है. ये अपने आप करना है लेसन पढ़ने के बाद और अच्छे से. 365 डेज में का ईयर, क्या 365 डेज मिला के एक ईयर होता है कंप्लीट, यस और नो, फॉल्स है या ट्रू, आपको खुद को लिखना है. देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, क्या 12 मंथ्स होता है एक ईयर में. द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू स्पिन अराउंड वंस इन इट एग्जिट इट कॉल अ ईयर. के अ टाइम टेकन बाय द अर्थ टू स्पिन अराउंड वंस ऑन इट्स एग्जिस्ट. ये आपको ध्यान से पढ़ना है. यहाँ पे सन नहीं बताया है कि सन के अराउंड वन ईयर करता है, ये बताया है अपनी एग्जिस्ट पे एक टर्न लगाते वो वन ईयर खत्म करता है. तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है, ये लास्ट वाला. और थिंक एंड देन आफ्टर आपको इसे
फिल करना है. ओके सो आज हमने जो भी पढ़ा है आपको 2 टाइम अच्छे से रिवाइज करना होगा, अदरवाइज आपको ये नहीं समझ में उतने जल्दी आएगा. ठीक है सो 2 टाइम रिवाइज करना है. आपको ये भी जानना है कौन कैसा डे किसे कहते हैं, वो कैसे होता है, ईयर किसे कहते हैं, लीप ईयर क्यों आता है, फेब्रुवरी में 28 और 29 डेज कब होते हैं, तो आपको अच्छे से याद करना है. ओके थैंक यू.